भाजपा में लोकसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर बगावत के सुर अब उबलने लगे हैं। इसी के चलते भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह तथा भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह का पुतला आग के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े कद्दावर नेता अपने रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनवाकर भाजपा को ही तोड़ने की भूमिका निभा रहे हैं। सागर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज बहादुर सिंह का टिकट फाइनल किया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह तथा खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के सगे रिश्तेदार हैं। अगर सीट से अन्य दावेदारों को दरकिनार कर एक वार्ड पार्षद जिस तरह से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर सागर की जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पुतला फूंका। भूपेंद्र सिंह का पहली बार सागर जिले में विरोध के स्वर देखने को मिले। भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, INC 24 न्यूज के लिए सागर से आशीष दुबे की रिपोर्ट।